अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल इस्लामिक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको हाजिरात के बहुत ज़्यादा शौक़ है, क्या आप हाजिरात करना चाहते हैं, क्या आप हाजिरात करने के बाद हर सवाल का जवाब 100% सही जानना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपको हाजिरात का एक बहुत ही आसान सिंपल अमल बताने वाले हैं, जिसके ज़रिए से जो है आप आसानी के साथ 3 दिन के अंदर इस अमल करने के बाद 3 दिन के अंदर जो है आप हाजिरात खोल सकते हैं और अपने सवालों के 100% सही जवाब पा सकते हैं। याद रहे कि सवाल सिर्फ जायज़ ही होंगे, नाजायज़ सवालों की इजाज़त इस अमल में हरगिज़ नहीं होगी। बहरहाल बहुत ही प्यारा खूबसूरत वीडियो है, आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को दिल से लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अव्वल जो है आपको अपने नाम के और अपनी माँ के नाम के आदाद आपको निकाल करके जो है एक जगह जमा करने हैं। अपने नाम के आदाद, अपनी माँ के नाम के आदाद निकालने का वीडियो मेरे चैनल के ऊपर जो है मौजूद है, आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन के अंदर जो है उसका लिंक देने की कोशिश करूंगा। जब आप अपने नाम के आदाद, अपनी माँ के नाम के आदाद निकाल करके जमा कर लें तो उसी तादाद में जो है आपको या हयो या कयूमो या कादिरो, या हयो या कयूमो या कादिरो आपको सुबह को भी पढ़ना है, शाम को भी पढ़ना है। 3 दिन तक जो है आप इस अमल को कर लीजिएगा। इस अमल के अंदर परहेज जलाली जमाली अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी किया तो आपको जो है सिर्फ गोश्त अंडा मछली आपको खाना नहीं खाना है, सब्जी वगैरह जो है आप खाते रहें। बस इस तरीके से इस अमल को मुकम्मल कर लीजिएगा। उसके बाद में जब भी आपको हाजिरात करनी हो, किसी मरीज के बारे में पूछना हो या किसी और बीमारी के बारे में आपको पूछना हो तो आपको जो है 9 साल से कम उम्र का बच्चा आपको बिठाना, 5 साल से लेकर के 9 साल तक के बच्चे को नहला धोला करके जो है आपको एक अंधेरे कमरे के अंदर जो है बिठा लेना है और उसको जो है अच्छी खुशबू वगैरह लगा करके जो है बिठाना है, आप और एक बच्चा या उसके अलावा जो है 1 या 2 पेशेंट जो है आप बिठा सकते हैं, उससे ज़्यादा भीड़ आपको इकट्ठी नहीं करनी है। कमरे को पूरा खुशबू से मुअत्तर कर लीजिएगा। उसके बाद में जो है आप उसके अंगूठे पर या आपके हाथ की हथेली पर जो है आपको काली स्याही आपको लगा देने का है या उसकी आँखें बंद आपको करा देने का है। सिर्फ आइस हाजिरात की खासियत यह है कि आप इसको अंगूठे पर भी दिखा सकते हैं, हाथ की हथेली पर भी दिखा सकते हैं, बच्चे की आँखें बंद करके भी जो है उसको दिखा सकते हैं या बिठाल दे तो उसके बाद में जो है आपको यह हयो या कयूमो या कादिरो लगातार पढ़ते रहना है, बच्चे पर दम करते रहना है। कुछ ही देर के बाद में जो है हाजिरात इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुल जाएगी। फिर आप जो भी मालूम करना चाहें, अल्लाह ने चाहा तो 100% सवाल के जवाब आपको आराम से आसानी के साथ जो है मिल जाएंगे। हाजिरात में जो है बच्चा आप अपनी आंखों से देखेगा भी और अपने कानों से सुनेगा भी। जब तक बच्चे के कानों के अंदर आवाज़ नहीं आए तब तक जो है आपको या हयो या कयूम या कादिरो पढ़ते रहना है। चंद ही मिनट के बाद में बच्चे को आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। बच्चे को डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप इन्हीं कलमात को जो है 121 मरतबा पढ़ करके जो है हाजिरात करने के बाद में जो है बच्चे को जो है पढ़ करके पानी पर दम करके पिला दें, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे के लिए भी सेहत के लिए भी बेहतर रहेगा। बहुत ही बेहतरीन प्यारा खूबसूरत वीडियो है, आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को दिल से लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद वाला आइकन घंटे का बटन जरूर दबा दें। हम दुआ करते हैं कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।